हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। पिछले वीडियो में अपन स्टार्ट कर दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता को, और एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पिछले वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो आपको याद होगा और याद हो भी गया होगा, अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और ये कहाँ से कहाँ तक चलती सभ्यता। तो मैंने आपको बताया था 2500 BC से 1750 BC, अर्थात 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसको अपन ने कवर किया था सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये तिथि का निर्धारण हमने कार्बन डेटिंग 14 मेथड के थ्रू ये इसका निकाला था ये तिथि को, ठीक है। और अब साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत की प्रथम सबसे प्राचीन सभ्यता थी, और उसके साथ ही साथ ये कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता भी थी, ठीक है। आगे बात करी थी दोस्तों चार्ल्स मेसन की 1826 में। चार्ल्स मेसन ने क्या काम किया था, कुछ अवशेष प्राप्त किए थे, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम साहब आते हैं 1856 में। एक मिनट, आपको लिए डेट भी लिख देता हूँ मैं। 1826 में कौन आते हैं, चार्ल्स मेसन आते हैं। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, इन्होंने मेसन, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त करे थे, लेकिन कुछ निष्कर्ष तक ये भी नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद 1856 में अलेक्जेंडर कनिंगम आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी हड़प्पा नामक स्थान से कुछ अवशेष प्राप्त करते हैं ये, ठीक है, लेकिन ये भी कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारतीय रेलवे की प्रारंभ होती जैसे 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को, उसके बाद से ही 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर देते हैं। यहाँ पर ही दोस्तों एक भारतीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी इसी के समय 1856 में, भारतीय संग्रहालय, ठीक है। संग्रहालय की खोज की गई थी, स्थापना कर दी गई थी 1856 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैंने आपको कल बताया था इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जिसे आज वर्तमान में भारतीय संग्रहालय बोला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय है जिसका मतलब मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसके ही बाद दोस्तों आपको मैंने बताया था 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर देते हैं। कौन, कब, तो आपको याद रखना है 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के ही इसका अपन ने विस्तार भी देख लिया था कि कहां से कहां तक जो है फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, तो आपको याद रख लीजिए। अगर अपन उत्तर वाले प्लेस की बात करें, यह है नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, मांडा, चिनाब नदी के किनारे, और ये कहां पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। और जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो आपको याद रखना है अखनूर डिस्ट्रिक्ट। साउथर्न पॉइंट की बात करें सबसे दक्षिण में, तो आपको पता है दायमाबाद, दायमाबाद जो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के अहमदाबाद, महाराष्ट्र के अहमदाबाद में दायमाबाद स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है नदी है इसकी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक। ईस्टर्न पॉइंट की मैंने आपको बताया था यूपी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक, कौन सी नदी, हिंडन नदी, आलमगीरपुर यूपी में, हिंडन नदी और यूपी में स्थित है आलमगीरपुर, ठीक है।
वहीं अपन बात करें सबसे पश्चिम प्लेस की, तो ये पश्चिम प्लेस कौन सा है, मैंने आपको कल बताया था ये भी, सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे, तो आप याद रखेंगे दास्क नदी। पाकिस्तान का कौन सा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है क्या सुतकांगेडोर, ठीक है। तो ये विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम आगे बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो मांडा की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, और किसने की गई थी, जगपत जोशी। स्थापना नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी खोज, मांडा की खोज 1982 में जगपत जोशी और मधुबाला ने की, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, कि मांडा से हमें क्या मिले हैं, मृत भांड, वो भी किसके, मिट्टी के। मांडा से हमें मृत भांड मिले हैं मिट्टी के, ठीक है, जो किस काल के हैं, हड़प्पा काल के हैं। मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो आपको याद रखना है इतना मांडा के बारे में। मांडा चिनाब नदी के किनारे है, जैन के अखनूर डिस्ट्रिक्ट, और 1982 में इसकी खोज की गई थी जगपत जोशी और मधुबाला ने। वही बात करते हैं अपन अब आलमगीरपुर की, तो दोस्तों इसके बारे में, इसकी खोज कब की गई थी, 1958 में YD शर्मा, 1988 में YD शर्मा ने इसकी खोज की थी आलमगीरपुर की। और यहाँ से क्या मिला है, रोटी बनाने की चौकी, रोटी बनाने की क्या मिली, एक चौकी और बेलन के साक्ष्य मिले हैं। रोटी बनाने की चौकी और बेलन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, आलमगीरपुर से मिलते हैं। दैमाबाद से दोस्तों आपको याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैमाबाद से यहाँ से हमें कुछ कब्रें मिली है, क्या मिली है, कब्रें मिली है, अर्थात कब्रिस्तान में कुछ कब्रें मिली है, और उनको जो दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। दायमाबाद से हमें कुछ कब्रें मिली है जिनको उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। और जो आप याद रखेंगे, जो कब्रें मिली है वो किस ईंटों की बनी है, तो वो पक्की ईंटों की बनी है। यहाँ पे जो हमें कब्रें मिली है वो किस ईंटों की बनी है, उनके ऊपर पक्की ईंटों की बनी है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। और सुतकांगे डोर की बात करें दोस्तों, सुतकांगे डोर एकमात्र ऐसा प्लेस है जिसका किला, अर्थात सुतकांगे डोर का क्या, किला एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर बना है, प्राकृतिक चट्टान। देखो बेसिकली जो सिंधु घाटी सभ्यता के किले और दुर्ग हुआ करते थे वो थोड़े ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था, मतलब कि जब भी किले बनाने से पहले उसके नीचे कुछ मिट्टी डालते थे या कुछ पत्थर डालते थे ताकि वो स्थान को ऊंचा कर सके। लेकिन सुतकांगे डोर में दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो किला दुर्ग था वो ही किस पे बना था, प्राकृतिक चट्टान पे बना था, मतलब पहले से बनी बनाई क्या थी, एक चट्टान थी, उसके ऊपर ही किला बना दिया गया था इस प्लेस में। और इसमें दोस्तों सुतकांगे डोर से हमें क्या मिली है, इसमें एक अपवाद है सुतकांगे डोर से, कि यहाँ से कोई भी मुहरें हमें नहीं मिली है, कोई भी मोहर नहीं मिली है, ठीक है। तो ये सारा का सारा है, आप इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों अफन, इसकी कल मैंने आपको बताया था प्लेसेस के बारे में और उसके किनारे स्थित नदी, उससे रिलेटेड आपको अगर याद नहीं हुआ है तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आपको जितने भी प्लेस है, स्थल है, और उनके किनारे स्थित नदी, मतलब कौन सा प्लेस किस स्थल के किनारे है,
उसकी आप ट्रिक लिख लीजिए। एक ट्रिक है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं उन प्लेसों को। तो ये ट्रिक दोस्तों ये है कि रमा लोभी मौसी, ठीक है, आपको ये याद करा दूंगा मैं ट्रिक अभी के अभी। लोभी मौसी का हरा कंघा, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, ठीक है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। तब तब रोष में आकर, मतलब गुस्सा, रोष का मतलब होता है दोस्तों गुस्सा, रोष में आकर बस से, कैसे, अब पैदल तो नहीं जाएंगी भाई, बस से घर चली। देखिए ये कहानी के थ्रू है हमारी ट्रिक, क्या है, एक कहानी है। मान के चलो एक मौसी थी, वो क्या थी, बहुत लोभी थी, और उसका एक कंघा था जिससे वो क्या करती थी, कंघी करती थी। तो उसका जो हरा कंघा है, उसकी एक बेटी है बोलना चाहिए, वो कौन है, रमा है, हरा कंघा रमा। रमा ने ले लिया तो मौसी क्या आ गई, रोष में आ गई और बस से घर चली गई। यहीं पर आपको सारे के सारे प्लेसेस और उनकी नदी याद हो गई। अब इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि ल से क्या हो जाएगा, लोथल, भोगवा नदी के किनारे, ठीक, म से क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ह से हड़प्पा, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, क से कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था, बताइए आप, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक। र से रंगपुर, मादर नदी के किनारे, तो रंगपुर मादर नदी के किनारे। उसी के आगे चलते हैं, र से क्या हो जाएगा, रोस, राखी गढ़ी, सरस्वती नदी के किनारे, तो ये ट्रिक थी दोस्तों, आई होप कि आपको, और बस है बनवाली नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, ये एक बार फिर से रिपीट मैं कर देता हूँ। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तब रोष में आकर बस से घर चले गई। ल से लोथल, भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे। और हाँ, एक और ट्रिक लिख लीजिए, एक और ट्रिक है विस्तार की, मतलब नॉर्थ में कौन सा प्लेस है, साउथ में कौन सा प्लेस है, इसकी एक ट्रिक है डैम्स। आपको क्या याद रखना है, डैम स, ठीक। अब चलेंगे कैसे अपन, नॉर्थ से दाइमाबाद और आलमगीरपुर, साउथ में आलमगीरपुर कहाँ पे, ईस्ट में, मोहनजोदड़ो वेस्ट में, और सॉरी मांडा नॉर्थ में, और सुतकांगेडोर ईस्ट में। तो ये न्यूज़ से डैम्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक डैम्स से आप ऐसे, ये आपको याद हो गया। आगे बात करते हैं अपन, अब एक एक प्लेस को उठाते हैं और उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है, उनको देखते हैं दोस्तों। अब अपन, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है कौन सा अपना, हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसकी क्या विशेषता है। देखिए
हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत की बात करें अपन, तो हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? एक अन्नागार थी, ठीक है। तो इस जो सिर्फ इस प्लेस की बात कर रहा हूँ, हड़प्पा प्लेस की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? एक अन्नागार थी। तो इसकी सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार है। अन्नागार बेसिकली क्या था? धान या खाद्यान्न को रखने का एक इमारत हुआ करती थी। और ये इतनी बड़ी इमारत थी दोस्तों, आपको याद रखना है, इसमें कितने कक्ष थे? 12 कक्ष थे, अर्थात 12 रूम की ये एक क्या थी? अन्नागार थी। तो यहाँ से हड़प्पा से हमें एक क्या मिला है? अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अगली बात करें तो दोस्तों, हड़प्पा से हमें एक कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। एक कब्रिस्तान, हड़प्पा से हमें क्या मिला है? एक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जो कि इसका नाम है, इसे अपन क्या बोलते हैं? समाधि 37। इस कब्रिस्तान को अपन ने नाम दिया है क्या? समाधि 37, ठीक है। समाधि 37 इसलिए बोलते हैं कि जब खुदाई चल रही थी या जब अवशेषों को अपन इकट्ठा कर रहे थे, तो हुआ क्या था दोस्तों, टोटल हमें 57 इसके क्या मिले थे? मानव कंकाल मिले थे। उनमें से 20 इतने ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके थे, 20 में से सिर्फ 37 के ही हमें उनको उन पर रिसर्च किया गया, इसलिए इस समाधि का नाम क्या पड़ा? 37 समाधि पड़ा। अगली इसकी क्या विशेषता है? तो आपको याद रखना है, इसकी जो यहाँ से हमें मिली है, उर्वरता की देवी की एक मूर्ति मिली है। उर्वरता की देवी की एक क्या मिली है? मूर्ति मिली है, जो कि क्या है दोस्तों, उस मूर्ति में एक स्त्री का साक्ष्य है, मतलब स्त्री की तस्वीर है, और जिसके गर्भ से क्या दिखाया गया है? पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, ठीक है। हमें यहाँ से इतनी ही चीज़ याद रखनी है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने 1921 में खोज की थी, दयाराम साहनी कब खोज की थी? 1921 में खोज की थी, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा जो प्लेस है, आपको जो बता दूँ, और एक चीज़ इसका एक इम्पॉर्टेंट और एक फैक्ट लिख लीजिए कि इस सभ्यता की जो फसल गेहूँ और क्या थी? जौ थी। तो हड़प्पा का भी जो प्रमुख फसलें वो ही क्या थी? तो कौन सी थी? वो गेहूँ और जौ। यहाँ की प्रमुख फसलें थी गेहूँ और जौ की। दूसरी बात करते हैं अपन अब मोहन जोदड़ो। दोस्तों मोहन जोदड़ो से क्या क्या फैक्ट हैं आपको याद रखना है। इसका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ मोहन जोदड़ो का सिंधी भाषा में, अर्थात मोहन जोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मृतकों का टीला। तो आप लिख लीजिए अपने बुक में इसका जो मीनिंग है, नोटबुक में, इसका जो मृतकों का टीला। अब इसका जो मतलब अर्थ मोहन जोदड़ो का क्या है? मृतकों का टीला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें से एक सबसे प्रसिद्ध एक स्नानागार मिला है जो कि काफ़ी क्या था, धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और ऐसा एक अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि ये स्नानागारों में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, उससे पहले इस स्नानागार में स्नान करने के बाद ही धार्मिक अनुष्ठानों को जो है संपन्न कराया जाता था। और इसका जो आकार था दोस्तों, ये 11x7x2, अर्थात 11 मीटर लंबा, 7 मीटर गहरा और 2 मीटर चौड़ा। इसका जो डायमेंशन था स्नानागार का 11x7x2, इसका डायमेंशन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि स्नानागार बताइए कि प्रसिद्ध स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहन जोदड़ो से मिला है क्या? स्नानागार। आगे चल के बात करते दोस्तों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन, एक नटराज भगवान की मूर्ति मिली है। काय की? नटराज की मूर्ति मिली है।
जो कि आपको याद रखना है, नटराज की मूर्ति किस देवता को समर्पित है, तो लॉर्ड शिवा अर्थात भगवान शिव को समर्पित है, अर्थात भगवान शिव की ही मूर्ति है और भगवान शिव का ही नाम क्या है, नटराज है। ठीक है, तो नटराज की एक मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, मोहन जोदड़ो से मिली है। आगे बात करते हैं, यहाँ से हमें पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ मोहन जोदड़ो से ही हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। और इस पशुपतिनाथ की मूर्ति बेसिकली तीन मुख वाली हुआ करती थी। कितने मुख थे उसके, तीन मुख थे, तीन मुख वाली हुआ करती थी। और इसका भी संबंध किससे है, शिव जी से ही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मोहन जोदड़ो से आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले कि आपसे यही पूछेगा कि मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। और सबसे प्रसिद्ध यहाँ से क्या मिला है, हमें एक स्नानागार मिला है। और आगे बात करते हैं इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ से ही हमें क्या मिली है, एक अन्नागार भी मिला है। देखिए, अन्नागार दो प्लेस से मिला है, एक तो हड़प्पा से भी मिला है और एक मोहन जोदड़ो से भी मिला है। आगे बात करते हैं मोहन जोदड़ो से और क्या क्या मिला है, तो यहाँ से दोस्तों एक नर्तकी की मूर्ति, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। काय की मूर्ति मिली है, नर्तकी की, जो एक बालिका की है। और ये नर्तकी की काश्य मूर्ति मिली है, काश्य मूर्ति मिली है दोस्तों नर्तकी की, कहाँ से, मोहन जोदड़ो से। इसी के आधार से इसको अपन काश्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि काशी की नर्तकी की यहाँ पे क्या मिली अपने को, मूर्ति मिली है। और यहाँ से ही एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, एक पुरोहित राजा की भी हमें मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहन जोदड़ो से मिली है। तो ये कुछ पॉइंट है मोहन जोदड़ो से रिलेटेड आपको याद रखना है। और एक पॉइंट इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कि इसके प्रत्येक मकान से, अर्थात मोहन जोदड़ो ही एकमात्र ऐसा शहर था, नगर था, जिसके प्रत्येक मकानों से हमें कुएं के साक्ष्य मिले हैं। काय के साक्ष्य मिले हैं, कुएं के साक्ष्य मिले हैं, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है। एक क्या क्या मिला है, स्नानागार मिला है, नटराज की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिला है, नर्तकी करते हुए एक बालिका की मूर्ति मिली है, और एक पुरोहित राजा, प्रत्येक मकान में क्या मिले, कुएं के साक्ष्य मिले। आगे बात करते हैं दोस्तों अफन अप चन्हुदड़ो की, अगला प्लेस है इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। चन्हुदड़ो की अफन अप बात करते हैं, तीसरा हमारा प्लेस है क्या, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था ये। जितने के जितने सारी के सारी हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी, नगरी सभ्यता थी। और नगरी सभ्यता होने के साथ ही साथ चन्हुदड़ो एकमात्र क्या था, एकमात्र ग्रामीण स्थल था, ग्रामीण स्थल, अर्थात यहाँ पर क्या थे, गांव थे। ठीक है, अगला पॉइंट इसका आप लिखेंगे, यहाँ पर एक भी दुर्ग नहीं था, यहाँ पर एक भी दुर्ग नहीं था। तो दुर्ग क्या होते थे दोस्तों, आपको याद रखना है दुर्ग बेसिकली एक सुरक्षा की दृष्टि से वाल बनाई जाती थी। ठीक है, तो दुर्ग क्या होता था, एक सुरक्षा की दृष्टि से वाल बनाई जाती थी, जिससे कि जानवरों से सुरक्षा होती थी, बहुत से बोलना चाहिए चारों के चारों, मतलब जितना भी ये एक शहर है बांध के चलो, तो इसके चारों ओर एक ऊंचे ऊंचे दुर्ग बना दिए जाते थे, जो काय से सेफ्टी की दृष्टि से बनाए दिए जाते थे ये दुर्ग। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ के जो मकान थे गोल ईंटों के साक्ष्य मिले, यहाँ से काय के साक्ष्य मिले हमें, गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र प्लेस था जहाँ से हमें क्या मिले हैं, गोल ईंटे। और ये जो ईंटे थी दोस्तों, आपको याद रखना है
कच्ची ईंटें हुआ करती थी। ये कैसी हुआ, कैसी ईंटें थी? कच्ची ईंटें थी। अगला आपको पॉइंट याद रखना है, यहां से लिपस्टिक, लिपस्टिक चूड़ियों, लिपस्टिक और चूड़ियों के भी हमें यहां से क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप यहां से लिखेंगे, यहां पे बिल्ली और कुत्ते को पीछा करते हुए दिखाया गया है। बिल्ली के पीछे कुत्ते की क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। देखिए बिल्ली और कुत्ते की बहुत पुरानी दुश्मनी है। एक पॉइंट आप मोहन जोदड़ो में लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि स्वास्तिक चिन्ह, वो थोड़ा रुक गया वो पॉइंट, स्वास्तिक का जो चिन्ह मिला है, अर्थात आज अपन जो यूज़ करते हैं इस प्रकार से स्वास्तिक, ये ही कहाँ से आया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से आया है। और इस स्वास्तिक के चिन्ह आने से हमें, हमने ये अनुमान लगाया है कि इससे हमें पता लगता है कि स्वास्तिक का चिन्ह बेसिकली सूर्य उपासना के लिए प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिंधु घाटी का समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब है कि यहाँ से जो है महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, और जो महिलाओं की या स्त्री की जो पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया जाता है दोस्तों क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ से मूर्तियाँ किसकी मिली है, स्त्रियों की मिली है। तो स्त्रियों की काय की, वो भी मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो आपको ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, एक मोहनजोदड़ो से वाले जो पॉइंट में आपको ये लिख लेना है। अगला बात करते हैं दोस्तों लोथल की, अगला प्लेस है कौन सा अपना, लोथल। और एक चीज़ इसके याद रखेंगे, यहाँ से ही हमें क्या मिले हैं, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत बार बार क्वेश्चन आया है। अगला है दोस्तों आपको याद रखना है लोथल, चौथा है क्या, लोथल एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ से हमें क्या मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं। और लोथल किस स्टेट में है, वर्तमान में गुजरात में है। तो यहाँ से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। दूसरा पॉइंट आपको याद ये लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मतलब कोई भी करेंसी नहीं हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन इसका अपवाद एकमात्र लोथल है जहाँ से हमें करेंसी मिली है, वो कहाँ की है, फारस की है। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों फारस की क्या मिली, यहाँ से हमें मुद्रा मिली है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो लोथल एक व्यापारिक केंद्र था, और जो लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, वाणिज्यिक राजधानी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कारोबार से संबंधित सारे के सारे होते थे। जैसे कि आपको पता होगा हमारी जो कमर्शियल कैपिटल अभी वर्तमान में भारत की क्या है, तो वो मुंबई है। और आर्थिक कैपिटल, सॉरी आर्थिक वो तो कमर्शियल में आ गया, और जो बात करें दोस्तों प्रशासनिक कैपिटल तो वो कौन सी है, दिल्ली है। और एक कैपिटल है, होती है धार्मिक कैपिटल, तो वो कौन सी है, वाराणसी। धार्मिक कैपिटल क्या है, वाराणसी है। आगे बात करते हैं लोथल की, तो लोथल से हमें क्या क्या मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर हमें मुद्राएं मिली है कुछ। यहाँ से दोस्तों चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं, क्या मिले हैं, चावल के दाने के साक्ष्य, चावल के दाने के साक्ष्य, जिससे चावल की कृषि होने के हमें साक्ष्य मिलते हैं, चावल की कृषि, जिससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर क्या होती थी, चावल की कृषि भी होती थी। अगला है दोस्तों यहाँ से ही लोथल से ही हमें एक ममी मिली है। देखो ममी का मतलब बेसिकली क्या है, मिस्र में एक प्रथा चलती है। मिस्र में क्या होता है, जो वहाँ के जो शव है मृत्यु के बाद, उनको एक पट्टी लपेटकर एक ताबूत में उसे बंद करके रख दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ममी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं जिससे ये पता लगता है कि लोथल में अन्य धर्म के भी लोग रहा करते थे, जिसका संबंध कहाँ से था, मिस्र से था। अगला है, अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ से हमें एक
एक भवन मिला है, मतलब कि लोथल से देखिए पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों के दरवाजे हैं मुख्य द्वार की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे, मतलब पीछे एक गली थी, पीछे एक गली हुआ करती थी जिसमें सारे के सारे मुख्य द्वार खुला करते थे। लेकिन एकमात्र लोथल एक ऐसा प्लेस था जिसमें घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, तो आप याद रखेंगे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, यहाँ से घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़ों के क्या मिले हैं, अस्थि पंजर। ठीक है, तो लोथल से हमें क्या मिले, घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है घोड़े को पालते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ इसका व्यापार किया करते थे। और एकमात्र लोथल से ही अवशेष मिले, तो ऐसा माना जाता है कि विदेशों से हो सकता है कि घोड़े का क्या किया जाता था, आयात किया जाता रहा होगा। अगला बात करते दोस्तों बनवाली की। पांचवा प्लेस है हमारा बनवाली, और बनवाली से जो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ से हमें क्या मिले हैं, जल निकासी पद्धति, मतलब जल निकासी सिस्टम मिलता है। लेकिन बनवाली से कोई भी हमें जल निकास के लिए नालियाँ नहीं मिली है, जल निकासी सिस्टम नहीं था। यहाँ पर क्या था, बनवाली में जल निकासी जो प्रणाली विकसित नहीं थी, कहाँ पर, बनवाली में। आगे बात करते हैं कालीबंगा से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लेस कालीबंगा। छठवां प्लेस है और क्या है वो, कालीबंगा। इसकी क्या विशेषता है, तो आपको याद रखना है यहाँ से हमें काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। सीधा सीधा आपको ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे चूड़ियों के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, बनवाली से मिलते हैं। अगला है दोस्तों जुते हुए खेत यहाँ से मिला है, एक अग्निकुंड भी मिला है यहाँ से, अग्निकुंड और एक हवन कुंड। अग्निकुंड या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, हवन कुंड। ठीक है, अगला है ये एकमात्र स्थल था जिसका जो निचला नगर था कालीबंगा। देखो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर नियोजन इसकी सिस्टम की बात करें, नगर नियोजन प्रणाली की बात करें, तो प्रत्येक नगर में दो हिस्से हुआ करते थे, एक उचला हिस्सा और एक निचला हिस्सा। जो कि निचला हिस्सा हुआ करता था पुरोहितों के लिए, ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए निवास स्थान होता था निचला हिस्सा, और उचला हिस्सा क्या होता था जिसमें किले और दुर्ग बने हुआ करते थे। और वो किसके लिए होता था, तो आपको याद रखना है वो सामान्य लोगों के लिए हुआ करता था। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा प्लेस था जहाँ से हमें निचला हिस्सा में दुर्ग बने हुए थे, और जो निचला प्लेस था वो किसके लिए था, सामान्य लोगों के निवास स्थल का प्लेस था। तो ये एक अपवाद है कालीबंगा, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, निचला हिस्सा नगर का सामान्य लोगों के रहने के लिए होता है, सामान्य लोगों के निवास। ठीक है, तो कालीबंगा आगे इतने अपन ने देखे अवशेष इम्पॉर्टेंट थे। एक पॉइंट आप याद रखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन जो बैल है उसका उपयोग सिंधु घाटी के लोग करते थे। अब हो सकता है कि जो डायरेक्ट बैलों का उसको खरीद कर उसका यूज़ करते रहोगे। दूसरा है शेर के भी अवशेष नहीं मिले हैं, गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, शेर से परिचित नहीं थे,
शेर के, कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं शेर के, और तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे। इससे ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि उस दौर में जो युद्ध है वो नहीं हुआ करते रहोगे, बहुत ज़्यादा सुखी और समृद्धशाली समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसलिए तलवार से परिचित नहीं थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मंदिरों के भी कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, हमें मंदिरों के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं यहाँ से। तो मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते थे, अर्थात प्रकृति की ही पूजा करते, जैसे पेड़ पौधे वृक्ष पीपल वृक्ष की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। तो प्रकृति की पूजा ज़्यादा पर जोर था, मंदिरों के साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, ईंट से जो पकी हुई ईंटें थी, अर्थात ईंट से पकी ईंटें उनको क्या बोलते थे, तो उनको टेराकोटा बोलते थे। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पकी ईंटों का ही इस्तेमाल किया करते थे, और जो पकी ईंटा थी उसको क्या बोलते थे, टेराकोटा बोलते थे। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ से हमें गन्ने के जो है कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, गन्ने की कृषि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे गन्ने की खेती नहीं करते थे, लेकिन आपको याद रखना है मिठास के लिए अर्थात स्वीटनेस के लिए वो किसका उपयोग किया करते थे, शहद अर्थात हनी का यूज़ करते थे, काई के लिए मिठास के लिए। ठीक है, वीडियो में आज इतना ही अपन रखते हैं, आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे, जो जो बच जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से सारा का सारा। और उसके बाद दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे हमारे वैदिक पीरियड को, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल पूरा का पूरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।